सुभान अल्लाह। कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, पूछे हैं उसकी आंख से आंसू हुजूर ने जो रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास, पूछे हैं उसकी आंख से आंसू हुजूर ने जो रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास। मैं देख रहा हूँ कमेटी के हजरात बहुत दूर खड़े हुए हैं, वो यहाँ आकर के बैठ जाए, माहौल बना ले। सलमान रशीद जब मजमे का रंग देखता है तभी अपना रंग दिखाता है, समझ रहे हैं। मैं चाहता कि आप बेदार हो जाएं ताकि मैं अपने रंग में आ जाऊं। कुछ कमेटी के अहबाब मेरे मुजाहिदाना तेवर से वाकिफ हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बोलता हूं लेकिन आज कई रोज से मैं बड़ी परेशानियों के तहत था, इसलिए आवाज बहुत मुतासिर है। आप मेंबर शरीफ पर उलमा इकराम का नूरानी काफिला देख रहे हैं, ये ऐसा काफिला है कि इनकी उंगलियां थाम कर जमीन में धसे हुए लोग अर्श आज़म पर पहुंच गए। जरा हाथों को उठा ले और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरे महशर नबी का इश्क अपना काम कर देगा, सरे महशर नबी का इश्क अपना काम कर देगा, तबर्रुक की तरह तस्लीमो कौसर आम कर देगा। मैं इतराए बहुत जन्नत के ये रिजवान से कह दो अगर पहलोल कोई मिल गया नीलाम कर देगा, मैं इतराए बहुत जन्नत के ये रिजवान से कह दो अगर पहलोल कोई मिल गया नीलाम कर देगा। शायर ने कहा था बस खुदा और खुदाई की तरफ देखते हैं, अपने आका की रसाई की तरफ देखते हैं, हमको मखमली कालीन से क्या लेना है, हम मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं, हमको मखमली कालीन से क्या लेना है, हम मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं। वाकई अगर आपके आपके रगों में अगर इश्के मुस्तफा का लहू दौड़ रहा है तो जरा हाथों को फिजाओं में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और जरा झूम कर कहते या रसूल अल्लाह, क्योंकि शायर ने कहा था कि अगर ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक किसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं, और मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं, मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। हजरात आइए, सुन्नते आका से जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। हाँ दुआएं आपकी होती नहीं है जो कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। और सर कटाकर करबला में कह दिया शब्बीर ने जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए, सर कटाकर कह दिया करबला में कह दिया शब्बीर ने जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए। हो रहा है कि उस लहजे से मुलाकात करा दूं जो कलील मुद्दत में कसीर लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। आप अगर दिल में तमन्ना करते हैं कि काश मरने से पहले मदीना देख लूं तो जरा हाथों को उठाकर एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा मुस्कुराकर कह दें या रसूल अल्लाह, ये जर्रा मुस्तफा का है, ये तारा मुस्तफा का है, जहां में जो भी है सारा का सारा मुस्तफा का है। फलक पर अपना सीना चीर कर महताब ये बोला मैं टुकड़े क्यों ना हो जाऊं इशारा मुस्तफा का है, फलक पर अपना सीना चीर कर महताब ये बोला मैं टुकड़े क्यों ना हो जाऊं इशारा मुस्तफा का है। इसी हिंदुस्तान से जब मदीने शरीफ के लिए काफिला रवाना हुआ तो उसी काफिले को रोक करके एक नबी के दीवाने ने कहा था जिसे मुस्तर आजमी कहते हैं, कहा था जब मदीने में जाना सरकार की बारगाह में हाजिरी हो तो इस दीवाने का पैगाम पहुंचाना कि मुस्तर आजमी जो आजमगढ़ की सरजमीन पर आपके इश्क में डूबा हुआ है सरकार आपका आपके दरबार में आना चाहता है, और ये मुस्तफा सुनाना कि सरकार उसे भी बहुत जल्द मदीना बुला ले, क्योंकि मुस्तफा आदमी का कलेजा फटता है तो दिल से आह निकलती है या रसूल अल्लाह, ये भी एक कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, और अश्कों से रोशना अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे हुजूर, अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखू मदीना मदीना मेरे रसूल। जब सरकार के दरबार में काफिला पहुंचा है वहाँ ये दुआएं अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल हुई, तो वही मुस्तर आजमी जब दीवाना जब मदीने शरीफ पहुंचा नबी के दरबार को देख करके कहता है मैं वाकई दरबारे नबी देख रहा हूँ, या ख्वाब में हूँ नींद या ख्वाब में हूँ या नींद में हूँ ख्वाब
कोई देख रहा हूँ और आका के तबस्सुम से चमक उठा तसव्वुर, सिद्दीका के हुजरे की सुई देख रहा हूँ, सिद्दीका के हुजरे की सुई देख रहा हूँ। हजरात बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे शाहिद रजा जैन पीर साहब किबला तशरीफ लाएं, उनके बाद आपको जनाबे मौलाना नायाब रजा साहब किबला आफाकी से समाप्त करना है क्योंकि हुक्म की तकमील करनी है। आइए जरा हाथों को उठा ले और दिल लगा करके ये नियत करके सुभान अल्लाह, और इस नियत से इंकलाबी नारा लगाए कि अगर यजीद की बच्ची खुची औलाद इसी सरजमीन पर अगर कहीं हो तो आपके इंकलाबी नारे को सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। और ये तस्वीर तसव्वुर करना है कि दुनिया से ये कुरान मिटा है ना मिटेगा, अल्लाह का फरमान मिटा है ना मिटेगा। इतनी बुलंद आवाज करो कि दुश्मन भी कह उठे भारत से मुसलमान मिटा है ना मिटेगा। हाथों को उठा ले और मोहब्बत के साथ नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बोल के सुने कमेटी माशाल्लाह, कहते हैं यार रसूलल्लाह और बुलंद आवाज से कहते हैं यार रसूलल्लाह। बलगल औलाद कमाली है कशफ दो जाब जमाल रे, बलगल औलाद कमाल रे कशफ दो जाब जमाल रे, बलगल औलाद कमाल रे कशफ दो जाब जमाल रे, हसनत जमी अखसाल रे सल्लो अलैहि वाल रे, सल्लो अलैहि वाल रे। सलमान भाई बोलिएगा, ये भी बोलेंगे इंशाल्लाह, कहते हैं यार रसूलल्लाह सल्लो अलैहि वाल रे, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक से जगान गए, ये गुल खार से दूर गए, ये गुल खार से दूर गए, ये शम्मा है के धुआन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद कमाल कल औलाद कमाल ही जाबे जमाल ही, वाह हसनत जमीओ फसाल ही सल्लो अलैहि वाली। ये शेर सुनने उसके बाद समाज के एक बार और कहते हैं यार रसूलल्लाह सल्लु अलैहि वालिहि, सल्लु अलैहि वालिहि, तेरे आँखों में दबे लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत कलामे आला हजरत फैजाने हुजूर बहरुल इरफान नारे तकदीर नारे रिसालत वाह 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 वाह।